नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आज यूपी ट्रिपल एससी में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे और ये संयुक्त धरना प्रदर्शन है सहायक संघ के अधिकारी के विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जूनियर इंजीनियर 2018 के विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जूनियर असिस्टेंट 2019 के विद्यार्थी जिनका परिणाम जारी नहीं किया जा रहा टाइपिंग का, जूनियर असिस्टेंट 2016 के विद्यार्थी जिनकी भर्ती पूरी नहीं की जा रही है, फॉरेस्ट गार्ड के विद्यार्थी जिनकी परीक्षा नहीं हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थी आज गए थे अपनी भर्तियों के मुद्दों को लेकर के। हालांकि विद्यार्थी कल भी गए थे जूनियर असिस्टेंट 2019 के और आज जो बाकी की जो भर्तियां थीं वो विद्यार्थी भी आज पहुंचे थे। पूरी बात बताऊंगा कि अधिकारियों से क्या वार्ता हुई, क्या नहीं वार्ता हुई। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। देवरिया जिले से हूँ, यहाँ पे हम सभी अभ्यर्थी अलग अलग भर्तियों से हैं। आयोग पर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सहायक कनिष्ठ 2016 भर्ती से हूँ। यह भर्ती दिसंबर 2016 में आई थी। इसके 3 चरण, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट व साक्षात्कार कराते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। आज भी हम लोग अंतिम परिणाम के लिए धरना देने आए हैं। यहाँ पे सहायक कनिष्ठ 2019 के भी कुछ छात्र हैं, वो अंतिम परिणाम के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम डेट के लिए कर रहे हैं, एसओ वाले भी अपने एग्जाम डेट के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर इतना तेजी से अग्रसर है कि यहाँ एक भर्ती को पूर्ण होने में 5 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं। 5 वर्ष के बाद भी एक भर्ती नहीं पूर्ण हो रही है, ये दुर्भाग्य है यहाँ के युवाओं का, जहाँ पे 5 वर्ष में एक भर्ती नहीं पूर्ण हो रही है। जब सरकार डेटा देती है तो कहती है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 16,708 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, 22,000 पदों पर नियुक्ति चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि 16,708 पदों की कुल पदों की भर्ती, टोटल 22 जो भर्तियाँ हैं अभी भी पेंडिंग हैं। अभी किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? हमारी कई बार धरना प्रदर्शन हुई है, कई बार अधिकारियों से बातचीत हुई है, हमेशा आश्वासन मिलता है। लेकिन आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़े शून्य हैं। और बेसर्मी देखिए इस बात की कि लगातार देखिए, ये हमारे पास, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, ये दिसंबर 2016 में आयोग के जो अधिकारी हैं, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट और शासन द्वारा ये लगातार झूठ बोला जाता है। ये देखिए, दिसंबर 2016 में कहा गया था 50,000 भर्तियाँ आएंगी। ये जुलाई 2021 आते ये कहा गया कि 35,700 पदों पर भर्तियाँ आएंगी। पेट का एग्जाम कराया गया, बोला गया कि इसके बाद से प्रक्रिया सरल हो जाएगी, भर्तियां होंगी तेजी से। लेखपाल की भर्ती ही आप लोग रिपोर्टिंग करते होंगे, जितने लेखपाल की भर्ती पिछले 2 से सिर्फ कागजों में आ रही है, धरातल पे नहीं आ रही है। इसके बाद से दीपावली मुख्यमंत्री जाते कहते हैं 22,000 पदों पर भर्ती होगी और नतीजा ये कि एक भी भर्ती नहीं हुई है। इसको लेकर हम लोग सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण रख रहे हैं। और ये दुर्भाग्य सबसे आगे कि 5 वर्षों में भी एक भर्ती नहीं हो पा रही है। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो यहाँ पर देख सकते हैं, आज विद्यार्थी सुबह से पहुंच गए थे। जूनियर असिस्टेंट 2016 के ये विद्यार्थी हैं जो अपना अलग पोस्टर लगा करके बैठे हुए हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात ये इसमें सहायक संघ के अधिकारी के हम लोग कैंडिडेट्स हैं। ये लोग कोई और वैकेंसी में बहाना बना दिए कि EWS का है। हमारे वैकेंसी में तो फ्रेश है, जब EWS लगा तभी ये वैकेंसी आई। EWS से फॉर्म भरा गया है और 904 पोस्ट है और 10,144 कैंडिडेट्स। इसमें कोई भी विवाद नहीं है इस वैकेंसी में। ये चाहे तो एक ही जगह सेंटर, एक ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर करके ये लोग एग्जाम करा सकते हैं। इसी मांग को लेके हम लोग हर बार आते हैं, लगभग 8 से 10 बार आ चुके हैं। ये लोग आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने यही बोला है कि आपकी डेट जनवरी से मार्च तक, ये बताइए अभी तक ये लोग कैसे हम मान लें। अभी तक तो आचार संहिता का बहाना बना लें, अभी बोल दिया कि जिला प्रशासन आदेश देगा। अभी बोल रहे थे हमको कोई आदेश की जरूरत नहीं है, हम आयोग जो है अपना डिसीजन स्वयं लेगा, एग्जाम करा सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपकी तो 10,000 संख्या इलेक्शन होने वाले हैं तो कैसे हम विश्वास करें। आज भी वही हम लोग तो आमरण अनशन पे आए थे, लेकिन धारा 144, अब इसको हम क्या करें। सरकार को भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोगों की समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है। इसका भुगतान कहीं ना कहीं अगर सरकार तक ये बात जा रही है तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सहायक संघ के अधिकार
लोग वीडियो को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और आप लोग कहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की सर सूचना नहीं देते हैं आप, ये है वो है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की जो भी हलचल होती है आपको पल पल की अपडेट दी जाती है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो भी वीडियो बनते हैं उन वीडियोज़ को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग देखिएगा, मैंने कल भी बनाया था यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो, केवल 10,000 लोगों ने देखा था, जबकि सामान्य वीडियोज़ को ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो 40,000-50,000 तक देखते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी में जब धरना प्रदर्शन के बारे में कोई वीडियो बनता है तो 10,000, 12,000, 15,000। तो क्या कारण है कि आखिरकार आप लोग खुद ही उदास हैं? इसलिए यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी वीडियोस रहा करें, खासतौर से धरना प्रदर्शन के, उन वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने फेसबुक ग्रुप हैं, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। अब बात करते हैं कि आज अधिकारियों से क्या वार्ता हुई थी। जिन छात्रों से वार्ता हुई थी मेरी, उन विद्यार्थियों से बातचीत हुई है। अभी उन विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आया तो उन विद्यार्थियों ने बताया कि हमारी जो है वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी अधिकारियों से वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, और उसी तरीके की वार्ता हुई है जिस तरीके से हर बार होती रही है। यही कहा गया है कि 10 जनवरी के बाद से हम जो है पुरानी परीक्षाएं जितनी भी भर्तियों की हम सभी करवाएंगे। तो विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर यूपी ट्रिपल एससी कहाँ से परीक्षा करवा लेगा, जनवरी के महीने में तो आचार संहिता लग जाएगी। और आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी जानते हैं और सरकार भी आगे जानती है कि सबसे ज़्यादा जो खलिहर हैं, सबसे ज़्यादा जो नकारे हैं अधिकारी, वो यूपी ट्रिपल एससी के हैं, इसीलिए इनको सबसे पहले दूसरा काम दे दिया जाता है। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों को ही नोडल अधिकारी बना दिया गया था, कोरोना का सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया गया था, और वो नाकेबंदी देख रहे थे अलग अलग जगह जाकर के। इसी तरीके से अगर चुनाव आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं अधिकारियों को, यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों को जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो दूसरे विभागों से जो आए हैं, जो भी अधिकारी हैं, इन सबको पहले ही पर्यवेक्षक बना दिया जाएगा, नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, चुनाव का जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और ये बैठ जाएंगे और ये हर स्वीकार भी कर लेते हैं। और विद्यार्थी समझते हैं इस बात को कि यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी जो हों वो तुरंत नोडल अधिकारी बना दिए जाएंगे और हमारी जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी, और इसी बात की जो आशंका विद्यार्थियों को है, इसीलिए विद्यार्थी आजकल लगातार यूपी ट्रिपल एससी का घेराव कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही है, और वही घिसी पिटी बातें लगातार हो रही हैं। कभी चुनाव के बाद 50,000, कभी दीपावली के बाद 22,000, कभी 30,000, कभी 35,000, इस तरीके की घोषणा होती है, लेकिन भर्तियों की जो है तारीखें का ऐलान नहीं किया जा रहा, परिणाम भी नहीं आ रहा, और नए विज्ञापन भी नहीं जारी हो रहे। सबसे बड़ी बात है कि नए विज्ञापन भी जारी नहीं हो रहे। लेखपाल भर्ती के बारे में आज के ही समाचार पत्रों में दिया हुआ है कि उसमें बहुत सारे पेंच हैं, और एक ट्रिपल सी का पेंच है, एक तो ये वाला पेंच है, और दूसरा जो पेंच है वो कुछ रिजर्वेशन को लेकर के है, नियमावली को लेकर के है, बहुत सारे पेंच आ गए हैं लेखपाल भर्ती में, तो देखते हैं। मेरा नाम मालू कुमार सिंह है, देवरिया जिले से हूँ। यहाँ पे हम सभी अभ्यर्थी अलग अलग भर्तियों से हैं। फिलहाल यही हुआ है यहाँ पर कि जो है ये अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिया, ठोस आश्वासन, और ये कुछ भी नहीं कहा है कि विद्यार्थियों की जो है परीक्षाएं कब होंगी, और जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो परिणाम वो कब जारी होगा, और बाकी जो परीक्षा कैलेंडर वो कब जारी होगा, नए विज्ञापन को लेकर के भी कोई ठोस बात यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज नहीं कही गई। कराते कराते 5 वर्ष व्यतीत हो गए, आज भी हम लोग अंतिम परिणाम के लिए धरना देने आए हैं। यहाँ पे सहायक कनिष्ठ 2019 के भी कुछ छात्र हैं, वो अंतिम परिणाम के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम डेट के लिए कर रहे हैं, एसओ वाले भी अपने एग्जाम डेट के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर इतना तेजी से अग्रसर है, यहाँ एक भर्ती को पूर्ण होने में 5 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं, 5 वर्ष के बाद भी एक भर्ती नहीं पूर्ण हो रही है, ये दुर्भाग्य। तो ये मीडिया भी सब बातें जानती है, और लेकिन मुख्यमंत्री ये सब बातें नहीं जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, आगे कोई अपडेट होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।